वेलकम टू वेल अकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और डीएलडी के नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जांपल डिस्कस करूँगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ना बात कर लेते हैं यहाँ पे ये एग्जांपल की। मीन टर्म एंड मैक्स टर्म का ये एग्जाम्पल है, जहाँ पे ये एक मान लो कि एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। किसी भी हमारा कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा जिसका ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल पे यहाँ पे जो फंक्शन है उसके यहाँ पे आउटपुट दिए हुए हैं 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द मीन टर्म एंड मैक्स टर्म एक्सप्रेशंस। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मीन टर्म जो है वो क्या होती है, जिसका यहाँ पे आउटपुट 1 होता है उसमें यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। तो मीन टर्म कौन सी है यहाँ पे, ये है, ये भी है, ये भी है। तो चार मीन टर्म हमारे पास है और मीन टर्म को हमेशा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ए बी सी के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि मीन टर्म्स कौन सी है, तो कौन सी है मीन टर्म्स, m1, m2, फिर यहाँ पे m4 एंड m7। सो m1 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m7, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ये? जी हाँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने इसका प्लस क्यों किया हुआ है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये जो एक टर्म होगी ना उसका हम एक्सप्रेशन अभी बनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसको हम एज इट इज अभी रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की अगेन, और इसके अंदर मैक्स टर्म्स कौन सी है, तो मैक्स टर्म्स ये रही, कौन सी है, m0, m3, m5, m6। तो m0, m3, m5 एंड m6। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे डॉट क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अगर मुझे यहाँ पे सम कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा समेशन ए बी सी। अब अगर इसको आगे एक्सप्रेशन किस तरह से बनाना है, कई बार m1, m2, m4, m7 लिखा जाता है, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है समेशन ऑफ 1 2 4 7, और वो क्या है, 1 क्या है, 0 0 1। अच्छा मीन टर्म्स में जब भी 0 आता है तो वो मीन टर्म को मंजूर नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, a प्राइम b प्राइम एंड c। m1 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्राइम b प्राइम एंड c, समझ में आ रहा है, a प्राइम b प्राइम एंड c, क्यों, क्योंकि c पे यहां पे 1 मिल रहा है मुझे। अच्छा नेक्स्ट m2 के बारे में बात करें तो ये दोनों 0 है, ये 1 है, तो a प्राइम b c प्राइम ऐसा लिखेंगे, a प्राइम b c प्राइम, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। प्लस m4 के लिए क्या लिखेंगे, m4 के लिए a प्राइम, अच्छा m4 के लिए अब क्या लिखेंगे, m4 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 0 है, तो a b प्राइम c प्राइम, तो यहाँ पे a b प्राइम एंड c प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे m7 आता है, 7 के लिए यहाँ पे तीनों 1 है, तो यहाँ पे सिंपल a b c लिखेंगे। तो ये हमारा जो है वो हमारा बन गया एक्सप्रेशन, मीन टर्म एक्सप्रेशन हमारा बन गया, देखा कितना ईजी है। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, सर्किट के अंदर जहां पे भी आउटपुट 1 आएगा उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, और इसी बेसिस पे हमें काम करना है आगे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन मतलब सर्किट का आउटपुट जब 0 आए तब क्या करना है, उसके लिए हमारे पास है मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म्स के लिए क्या होगा, यहां पे इसका सिंबल ये है, और मैक्स टर्म्स में लिखा जाता है 0 3 5 एंड 6, और यहां पे हम क्या करेंगे, m0 के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 0, अच्छा इसको तो 0 ही चाहिए, मैक्स टर्म में क्या चाहिए, 0 ही चाहिए, तो इसको सिंपल हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो ये m0 का हो गया। अब डॉट करके m3 का बनाएंगे, तो m3 के लिए क्या है, 0 1 1। एक बात आप अच्छे से जानते हो कि यहां पे मैक्स टर्म को 1 मंजूर नहीं है, उसको 0 चाहिए, उसको 0 मंजूर है, तो 0 के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, ये एज इट इज a आएगा, बाकी यहाँ पे दोनों पे 1 1 लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे m5 की बात कर लेते हैं, तो 5 के लिए यहाँ पे 1 0 1 दिया हुआ है, 1 0 1 में ये दोनों मैक्स टर्म को नहीं चाहिए, मंजूर नहीं है, तो क्या करेंगे, प्राइम, यहाँ पे 1 0 1 में ये दोनों 1 है और बीच में 0 है, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या आएगा, a प्राइम b c प्राइम, वेरी सिंपल,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब भी जीरो आएगा तो हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे वन होगा तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सिक्स, सिक्स में क्या है, वन वन जीरो, तो वन वन जीरो का क्या होगा, ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी, वेरी सिंपल। समझ में आया आपको, यहाँ पे हमने मीन टर्म एंड मैक्स टर्म के एक्सप्रेशंस बना लिए हैं और यहाँ पे इसी तरीके से आपको आगे चल के बनाने हैं। ये जो धीरे 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 हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं स्टेप्स को चलते हम आगे चल के बड़े बड़े एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्टली एग्जाम्पल देख रहे हो, डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है ये मीन टर्म मैक्स टर्म क्या होती है विद डेफिनेशन एंड विद टेबल, मैंने डिफरेंस भी बताया हुआ है कि क्यों यहाँ पे ऐसा होता है, क्यों हम जीरो वन यहाँ पे लेते हैं मीन टर्म के लिए, मैक्स टर्म में क्यों हम जीरो लेते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। आने वाले वीडियोस में हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैनोनिकल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको इसके ऊपर से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो और दोस्तों को बताओ यहाँ पे डीएलडी के सारे वीडियोज़ है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना क्या आपको हमारे वीडियोज़ समझ में आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन जब भी हमारे वीडियोज आए तब आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।